हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम है LOVE एडवाइस। दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक बहुत यूनिक है, बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे दोस्तों में रहता है कि हम सब अक्सर यही सोचते रहते हैं कि हम कैसे पता करें कि वो लड़की हमसे पटेगी, हम ऐसा क्या करें जो वही लड़की सिर्फ हमसे पटेगी। तो दोस्तों, आप ये सोचना बंद करिए, क्योंकि दोस्तों आपकी अब ये सोच खत्म हुई। आप प्लीज़ इस मेरे वॉइस को पूरा सुने और पूरे ध्यान सुने दोस्तों, इसमें साफ आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पर। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे बल को दबाएं कि सबसे पहले मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें। तो फ्रेंड, आपने ऐसी बहुत सी लड़की को देखा होगा जो बहुत मासूम दिखती है, बहुत ही भोली दिखती है, बहुत ही चुपचाप रहती है और किसी से भी जल्दी बात नहीं करती है, यहाँ तक कि आपको वो नोटिस भी नहीं करती है, देखती भी नहीं है। आपको लगता है कि ये बंदी कभी नहीं पटने वाली, पर मानो या ना मानो वो बंदी सिर्फ आपसे ही पटेगी। पता है क्यों? क्योंकि उसके वही बिहेवियर के कारण सारे लड़के यही सोचते हैं कि ये बंदी पटने वाली नहीं है, और इसलिए कोई उसके से बात भी नहीं करता है डर के मारे। तो फ्रेंड, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत जुटा ले और उसके पास जाए, उससे बात करें, तो आपकी बात कुछ बन सकती है और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, हो सके तो दोस्ती भी कर लेगी। और दोस्ती होने के बाद तो आपको पता ही, दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती है। पर फ्रेंड, आपको एक बात जरूर याद रखनी है, जब आप उससे बात करने जाए तो उसके साथ तो फ्लर्ट बिल्कुल भी ना करें, और तो और प्रपोज तो बिल्कुल ना मारें। आप उससे एकदम नॉर्मली बात करें ताकि उसे भी लगे कि बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं, और आपको भी पता चले। अगर वो इंटरेस्टेड है तभी आप उससे फ्लर्ट करें। ये तो हो गई बात टाइप नंबर 1 की। अब टाइप नंबर 2। तो फ्रेंड, आपने तो ऐसी भी लड़की को देखा होगा, लड़के बहुत सारे फ्रेंड होते हैं और लड़कियां बहुत कम होती है। ऐसी लड़कियों को लड़कियों वाली फ्रेंड रखने की कोई शौक नहीं होता है, कोई मन नहीं करता है उनको, ज़्यादातर वो लड़कों से ही दोस्ती करना पसंद करती है। ऐसी जितनी भी लड़कियां होती है ना, वो बहुत ही फ्लर्टी माइंड होती है, वो हमेशा किसी न किसी लड़की से फ्लर्ट करती रहती है, उसको बॉयफ्रेंड चेंज करने का बहुत शौक होता है। तो अगर आप ऐसी लड़की को अगर लाइन मार रहे हो तब तो दोस्तों पक्का आपसे वो पट जाएगी। पर दोस्तों, इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहेगी। तो ये तो बात हो गई टाइप नंबर 2 की। अब टाइप नंबर 3, उदास रहने वाली लड़कियाँ। तो आपने तो ऐसे बहुत सी लड़कियों को देख रखा होगा जो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हैं, बहुत ज़्यादा चुपचाप रहती है। हो सकता है शायद वो आपके क्लास में भी हो या आप जिसे जानते हो और वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहती हो, तो समझ लीजिएगा कि उसको सच्चे प्यार की तलाश है। पर जब आप उसको पटाने में लगोगे ना, तो शायद हो सकता है कि वो आपको कह दे कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। बिकॉज ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि इस टाइप की लड़कियों को फ्लर्ट करने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता है। तो ऐसी लड़की को पटाने के लिए आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, एक फीलिंग को समझनी पड़ेगी, और आपको हमेशा उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी सच्ची तारीफ करनी पड़ेगी। और आप उसे कोई भी बात झूठ बोल के उसको बिल्कुल भी सैक नहीं कर सकते, उसे पटा नहीं सकते। मैं मानता हूँ दोस्तों कि टाइप नंबर 3 वाली जो लड़की है वो काफ़ी मुश्किल है, बट दोस्तों वही प्यार सच्चा होता है। तो दोस्तों, अगर आप टाइप नंबर 3 वाली लड़की पटाते हैं तो आपकी लव बहुत लंबा चलेगा और बहुत अच्छा भी होगा। इसी के साथ दोस्तों, हम आ गए अपने वीडियो के एंड के तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको मेरे चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटे बेल को दबाएं कि जैसे हमने कोई भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और आपको कोई भी अन्य प्रकार की अगर बातें करनी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी उससे बातें करूंगा, आपको हर किसी भी लड़की से बात करने के तरीके के बारे में बताऊंगा। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, क्योंकि बंदीबाजी करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।